हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हैं बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ SBI इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा ऑनलाइन SBI और फिर आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा टाइप करके आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख सकते हो बहुत सारा टैब आप लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक टैब होगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्जेस और लिमिट शोन बिलो आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड बैंक में चेंज इट विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, मतलब चार्जेस और लिमिट जो है वो चेंज हो सकते हैं विदाउट नोटिस दिए हुए बैंक द्वारा। ठीक है, तो ये आपको देखना है और फिर आप लोग को ट्रांजेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट, ओवरऑल लिमिट इन ए डे और बैंक चार्ज। ठीक है, और पहला जो है फंड ट्रांसफर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विद इन ओन अकाउंट। अगर आप लोग खुद का अकाउंट से खुद ट्रांसफर कर रहे हो और सेम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो, देन आप लोग देख सकते हो मिनिमम अमाउंट जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो है 1 रुपीज और जो मैक्सिमम होगा वो है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ पे बैंक का चार्जेस जो है वो 0 रहेगा। और अगर आप लोग ETDR कर रहे हो या फिर ESTDR, ठीक है, TDR का मतलब है टर्म डिपॉजिट और STDR मतलब स्पेशल टर्म डिपॉजिट। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो वो है 1000 रुपीज और यहाँ पे जो मैक्सिमम रुपीज है वो है 99,99,999 रुपीज। ठीक है, और ओवरऑल डे लिमिट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे जो बैंक चार्जेस है वो नील रहे। अगर आप लोग ई रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो जो कि ERD के नाम पे फेमस है, जो कि आप लोग को मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, वो है मिनिमम ट्रांजेक्शन 100 रुपए और इसमें जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है वो है 99,99,999 रुपीज और यहाँ पे भी बैंक चार्जेस नील। अगर आप लोग फंड ट्रांसफर कर रहे हो सेम अकाउंट से, ठीक है, और डिफरेंट ब्रांच में है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम जो है 1 रुपीज आप लोग सेंड कर सकते हो और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपीज आप लोग सेंड कर सकते हो। और इसका लिमिट है आप लोग देख सकते हो 1 करोड़ रुपीज और यहाँ पे जो बैंक चार्जेस है वो नील रहेगा। और अगर आप लोग फंड ट्रांसफर करना चाहते हो विद इन SBI अदर अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 1 रुपीज सेंड कर सकते हो और मैक्सिमम जो है 10 लाख तक आप लोग सेंड कर सकते हो, इसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगता। अगर आप लोग वैन वर्चुअल अकाउंट नंबर फंड ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे जो मिनिमम आप लोग सेंड कर सकते हो वो है 1 रुपीज और जो मैक्सिमम है 10 लाख तक और बैंक चार्जेस नील है इसमें। और अगर वर्चुअल कार्ड में आप लोग पेमेंट करते हो 100 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम है 50,000 रुपीज और यहाँ पे जो बैंक चार्जेस है वो भी नील है। और अगर आप लोग ट्रांसफर करते हो बाय क्रेडिट कार्ड, वीजा, बिल पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम है 1 रुपीज से लेके आप लोग 25,000 पर ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो और पर डे मैक्सिमम जो है 50,000 तक कर सकते हो और इसमें चार्जेस लगता है 15 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब एक ट्रांजेक्शन में आप लोग को 15 रुपए लगेगा। और IRCTC ट्रांजेक्शन आप लोग जानते होंगे, रेलवे का वेबसाइट है जहाँ से आप लोग टिकट बुक करते हो और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मिनिमम जो है 1 रुपीज और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे 10 रुपीज आप लोग को लगेगा प्लस GST एप्लीकेबल है। और अगर आप लोग 10Z को ट्रांजेक्शन करते हो जो कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें आप जो मिनिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो 1 रुपीज है और मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो है 5 लाख रुपीज और आप लोग को 10 रुपये लगेगा पर ट्रांजेक्शन। और अगर मर्चेंट ट्रांजेक्शन करते हो आप लोग, मिनिमम जो है 1 रुपीज लगेगा और जो मैक्सिमम है 5 लाख पर ट्रांजेक्शन और पर डे जो है वो है अप टू 10 लाख तक और इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं लगता है। अगर आप लोग NEFT कर रहे हो जो कि दूसरा बैंक को सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देख सकते हो मिनिमम ट्रांजेक्शन 1 रुपीज है और अप टू 10,000 तक आप लोग सेंड कर सकते हो। फिर उसी तरह आप लोग देख सकते हो ट्रांजेक्शन कोई नहीं पड़ता है, नील। और जब आप 2 लाख से अबव करते हो जो कि RTGS ट्रांजेक्शन होता है, वो आप लोग देख सकते हो 2 लाख से 5 लाख तक आप लोग सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है RTGS में वो है 2 लाख और जो मैक्सिमम कर सकते हो वो है 5 लाख तक। और ट्रांजेक्शन टाइम आप लोग देख सकते हो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पे आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो और कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेबल नहीं रहता है इसमें। और उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबव 5 लाख से लेके 10 लाख तक आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगता है। अगर आप लोग IMPS करते हो, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, तो आप लोग जो मिनिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो है 1 रुपीज और जो मैक्सिमम है वो है 2 लाख रुपीज और इसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगता है।
और अगर आप लोग IRCTC फी ऑन SBI पेमेंट गेटवे में करते हो तो यहाँ पे जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो है 1 रुपीज, और जो मैक्सिमम है 5 लाख तक आप लोग कर सकते हो, और इसमें कुछ चार्जेस लगता है जो कि 10 रुपीज प्लस GST। और अगर आप लोग फॉरेन करेंसी रिमिटेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, अप टू वैल्यू इक्विवेलेंट ऑफ INR 10 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड इक्विवेलेंट ऑफ USD 2,50,000 पर कैलेंडर ईयर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए फ्लैट कमीशन ऑफ USD $10 यहाँ पे आप लोग को चार्जेस होगा, फिर यूरो जो है $10, GBP 8, SGD 10 और AUD 10 इक्विवेलेंट एट द रेट बैंक TT सेलिंग कार्ड रेट यहाँ पे चार्ज होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल पेमेंट, यहाँ पे 1 से लेके 5 लाख तक आप लोग सेंड कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी बैंक चार्ज नहीं लगता है। और फोन नंबर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 5,000 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लग रहा है प्लस GST, फिर 5,001 से लेके 10,000 अगर बना रहे हो 50 पर ट्रांजेक्शन प्लस GST, 10,001 से लेके 1 लाख तक आप लग, 5,000 और पार्ट देयर ऑफ मिनिमम रुपीज़ 60 इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 लाख से अगर 5 लाख तक अगर आप लोग कर रहे हो देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्जेस भी लगता है यहाँ पे, और द कोरियर चार्जेस, और कोरियर चार्जेस सेपरेट लगता है डिमांड ड्राफ्ट डिलीवरी अगर करना चाहते हो अपने घर में। और अगर डोनेशन कर रहे हो 5 लाख तक आप लोग कोई भी चार्ज नहीं लगता है, अगर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो NPS में फॉर टायर 1 500, फॉर टायर 2 250 रुपीज़, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 लाख तक आप लोग मैक्सिमम लिमिट तक कर सकते हो, फिर और आप लोग जो चार्जेस होगा वो PFRDA के द्वारा चार्जेस होगा आज प्रेस्क्राइब, ठीक है। और ट्रांसफ़र कर रहे हो अगर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आप लोग 12 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वह 500 रुपीज़ से लेके 1,50,000 तक आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो जो कि नील है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और स्टेट बैंक कलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ चार्जेस लगता है 1 से लेके 1 लाख तक 10 रुपये प्लस GST, फिर 1 लाख से लेके 5 लाख यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 पर ट्रांजेक्शन प्लस GST, फिर 5 लाख से लेके आप लोग देख सकते हो 10 लाख तक यहाँ पे भी 40 पर ट्रांजेक्शन और GST लगता है, और जो लिमिट है 10 लाख तक आप लोग सेंड कर सकते हो। और इनकम टैक्स OLTS CBEC IC GET, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 2 करोड़ तक आप लोग सेंड कर सकते हो, और मैक्सिमम है 2 करोड़, और ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ऑल पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 2 करोड़ तक आप लोग सेंड कर सकते हो, और फिर लिमिट कर दिया है 2 करोड़, और बैंक का कोई भी चार्ज नहीं लगता है नील, ठीक है। और अगर आप लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि NRI के लिए है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 1 करोड़ तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे 1 करोड़ जो है लिमिट है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो कि मिनिमम है 1 रुपीज़ से लेके 2 लाख तक, और इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, और इसमें जो लिमिट है 1 करोड़ ये लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। और IPO HNI, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबाउट 2 लाख से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 करोड़, और फिर यहाँ पे भी कोई बैंक चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पे जो डीमर्ट जो है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 1 करोड़ तक, और यहाँ पे जो लिमिट है 1 करोड़, और ये जो और बैंक चार्जेस कोई नहीं लेता है यहाँ पे नील है, ठीक है। और स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक SB अकाउंट एंड CA/CC, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस लगता है 100 प्लस GST पर इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम 500 प्लस GST पर इंस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गिफ्ट कार्ड अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो 500 से लेके मल्टीपल ऑफ 1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कर सकते हो, फिर कार्ड बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इंश्योरेंस चार्ज जो है वो है 100 प्लस GST, ठीक है। और ये था पूरा डिटेल ट्रांजेक्शन लिमिट का। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।